ने भी खूब मजा कहने सॉरी कुला जी हो एले We are now heading towards wildlife sanctuary and it's known as Chakrasila and it is near Kokrajhar town. I am going with my friend Sangrang Busumatari and he has bought his new car, so after learning driving skills a bit we are on the way in this period of lockdown. Though the lockdown is mildly reduced. It is about 8 kilometers from Kokrajhar town. Yeah, it, and these are the beautiful scenery around this area. और यहाँ पे ही गांव का सुंदर villages भी है और ये रास्ता है Chakrasila जाने का. हम Kokrajhar से आया है. मेरा दोस्त बोल रहा है कि इट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन. सो हम ये रास्ते से जा रहा है. मोस्ट प्रोबेबली यही रास्ता होगा क्या, और अलग रास्ता भी हो सकता है, लेकिन हम सराइकला का रोड से जा रहा है. ये आसपास विलेजर्स हैं, गांव का आदमी है. अच्छा, इधर रास्ता नहीं है ना? ये पूरा पार्क को पहुंचता है. अच्छा, पार्क का रास्ता मिलेगा. तो ये देखिए इतना ब्यूटीफुल सीनरी है, बच्चा लोग को देखिए. सो वी आर हम आगे जा रहा है. इतना आदमी दिख नहीं रहा है ना, शायद लॉकडाउन की वजह से नहीं आया है. शायद और घर नहीं है ना, इसलिए आदमी नहीं दिखेगा. इधर से घर नहीं है और वो इलाज भी रहता है. ओके ओके, ये बाहर. अच्छा, तो यहाँ पे कोई जंगल में शेर जानवर ये सब नहीं दिखते ना? सर में सिर्फ गोल्डन लंगूर और कुछ बर्ड्स मिलेगा. बहुत सुंदर है रे. हाँ, अलग लगता है एकदम फॉरेस्ट का दुनिया. हाँ, पहाड़ के साथ अच्छा लगता है. हाँ, और ये सब पेड़ तो वो है, मतलब सेगुन गो से ना. सेगुन का पेड़ है. अकेले आने में थोड़ा डरावना लगेगा, लेकिन ना हाँ, ये लड़का लोग बाइक चला के जा रहे हैं. तो उधर में एक छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है ना. हम लोग का Kokrajhar का आसपास में भी इतना अच्छा अच्छा जगह है ना. ये सब जगह को और थोड़ा अच्छा ही है, और लेकिन और रिनोवेशन फ्यूचर में कर सकेगा. हाँ, और कर सकेगा, नया नया आइडिया आता रहेगा. तो अगर फॉरेस्ट ये सब तो रिसोर्सेस है ही, नेचुरल रिसोर्सेस. हम लोग जैसा घूमने आया है ऑलरेडी ना कोई कोई. अच्छा, पार्किंग यहाँ पे ही करना होगा क्या? तो फाइनली हम लोग Chakrasila वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गया है. ये मेरा दोस्त है. हम लोग Kokrajhar से आया है, और जैसे कि हम लोग ने बोला 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब बिल्कुल ही पास है Kokrajhar टाउन का. और ज़्यादा वॉक करना ही नहीं होता है हम लोग का, थोड़ा वॉक करके अच्छा लग रहा है, वो भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट में. मुझे लगता है मुझे मास्क खोल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो फ्रेश एयर मिलता ही नहीं आजकल. हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी गोल्डन लंगूर देखने को नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा. इसका आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है ना, वो वाटरफॉल का आवाज़, जो पानी गिरने का आवाज़. वाह, लेकिन मेरा पैर में शू है, भीग जाएगा इसलिए, पर दिख के अच्छा लग रहा है.
शू पहन के आना नहीं चाहिए था मुझे, नहीं तो पानी का ठंड महसूस करने को मिलता मौका। वाव उफे गिला गजो थांगने हान नंगला कुछ था ना, इसको बोलता है सक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वाटरफॉल, बहुत ठंडा है। वाव इट्स नॉट स्लिपरी ना, बट येट आई कैंट टेक रिस्क। आई थिंक यू कैन, इट इज नॉट वेरी स्लिपरी, लिटिल स्लिपरी, लिटिल बिट स्लिपरी ना। इट्स रियली ट्रेजर्ड प्लेसेस अराउंड कोक्राझार टाउन। मैं सुझा भाई ना विजय मतलब मूड धो सकता है, पानी अच्छा है ना, अच्छा है ना, पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं भी रिक्स ले लेता हूँ, तो फिर कभी धोया नहीं है ऐसा पानी से, इतना लेके देखना, बहुत अच्छा है पानी, और क्लियर है ना पानी। हाँ देखो क्लियर है पानी, ये देख अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जगह लेके आया है रे संग्राम। अच्छा तुम वीडियो करो, मैं मूड होता हूँ, ठंडा भी है। पानी दिख गया पूरा का पूरा। इसको बोलता है ए डे वेल स्पेंड। ये जो पत्थर है पानी जिसका ऊपर आ रहा है, देखने से लग रहा है कि बहुत स्लिपरी है, पर इतना स्लिपरी नहीं है, इसलिए ये लोग चप्पल पहन के ऊपर जा पा रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है स्नान करके, तो हम लोग को भी इनवाइट कर रहा है स्नान करने से कर सकता है बोल के। ओके आई कैंट गो अबव ड्यू टू सम प्रॉब्लम ऑफ माई फीट एक्चुअली, सो यू फ्रॉम वेयर दिस वाटर कम्स, ओके फ्रॉम द टॉप, सो दिस इज द वे। Thank you.
क्या मतलब है? मिलो मिलो दे दे मुझे मुझे नाचा क्या मैं मतलब थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का आके पूरा मतलब वो कर रहा है तपस्या समाधि में नींद है जैसा ऐसा सो रहा है जग गया है बे एक्चुअली लामा ना माथाय मोनसे आं बे अबबा मोनसे सोहैयो खोमा लामा हिंगा नांग बे अबबा मोनसे लामायाव सोहैयो खोमा जों जाहैयो दां औ बेबो बे लामाया एक्चुअली आवगियाव गियामोनरा माबा हे हे नबरि बे लामा दङमोनरा बेखौ खालामनानै लामा खालामनायसो औ जोबदोंमोन हाग्राखौ लामा खालामनायसो जिब जन्तु थाला बायनाय नङाथ' बेलेग जेबो गैया माबा लाइन थायगाथ' गैया नों बार्डस नुगोन ओमफ्राय मस्टलि माबा नुगोन नोङो गल्डेन लांगुर बारा थांजानाय नंला खोमालै ना बेखि मानसिबो गैया ना बारा मानसियाबा गिनो खारोना औ उनाव मालाबा फैफिनसै मानसि सयजन सातजन क्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरि इज फेमास फर गल्डेन लांगुर इउजुवेलि but it is not visible frequently so we are now leaving it but we hope we can visit for next time but in such pandemic crisis visiting such places and getting chance to visit and come here for recreation in the lap of the nature is itself is a lucky or beautiful thing we can say so this is what we call as Sakrasila Wildlife Sanctuary now we are heading back somewhere if we see some beautiful spot langur nugen khoma annani biya dine mansi thaba kharab ser giji ta mathai mansi ko hazwa gidi thana bi bi front ile 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 wow lucky we are so lucky come closer we are two golden langur we are so lucky to see golden langur it can't be zoomed anymore but yet we are very lucky to watch this golden langur there is a couple of golden langur wow we are very lucky here yeah aur paas mein nahi zyada acha tha hum log ko dekh raha hai ye golden langur सोच रहा होगा बाहर से फेस देखो तो हाँ हाँ लेकिन ना फेस सुंदर है रे हाँ। मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ गोल्डन लंगूर फेस ब्लैक है लेकिन सब बॉडी गोल्ड है हाँ और वैसे साइज एक ही होता है ना नॉर्मल बड़ा जो होता है हाँ। ये थोड़ा मीडियम साइज हाँ ये बच्चा है लग रहा है मीडियम साइज है ये हाँ वी आर लकी टुडे वी सो टू मेरा कैमरा क्वालिटी और अच्छा होने से अच्छा होता हाँ जूम इससे और एक, नहीं हो एक सकता है ना, एक हाँ फिर दिस इज द गोल्डन लंगूर वी कम हेयर फॉर हम लकीली एक गोल्डन लंगूर नज़र में आ रहा है ये दिस वन इज द गोल्डन लंगूर ओ भाग गया चला गया आई थिंक अच्छा अच्छा इधर से दिखाई देगा ना और बहुत ब्यूटीफुल है यार देखने में बहुत सुंदर है ख़ास तौर पे जो नॉर्मल बंदर होता है हाँ उससे बहुत ज़्यादा बेहतर मतलब सुंदर है बॉडी का कलर गोल्ड जैसा है ना हाँ यही तो फेस लेकिन ब्लैक है अगर मतलब डायरेक्टली खुद के आँखों से नहीं देखने से मतलब शायद वो फील नहीं आता कि कितना सुंदर है लेकिन सुंदर लग रहा है और नोटोरियस नहीं है ना बिल्कुल भी बहुत साइलेंट है
बहुत डिसेंट है यार, खुद के जगह में रहता है और देखने से आता था। और इधर भी साउंड कर रहा था एक ना, साउंड कर रहा था इसलिए मैं देखने गया था। होगा आसपास ही, लेकिन ये लोग तो थोड़ा ह्यूमन डिस्टरबेंस तो पसंद नहीं करता है ना। फिर भी जो इतना अच्छे से इन लोग को प्रिजर्व करके रखा है, मतलब सेंचुरी में, अच्छा लगा। तो जू जू से कहीं बेटर होता है ना, ये लोग फ्रीडम वो होता है, मूवमेंट होता है ज़्यादा। हाँ, एक घर जैसा है लोकल एरिया, अच्छा लगा रहे थके बहुत। सांगरंग तो ये एरिया और कितना बड़ा है इधर तो, ये तो पूरा मेन फॉरेस्ट, यहाँ पे तो नहीं जा सकता है शायद ना। उधर भी जा सकता है, मैंने बोला था ना जो बैसागु फेस्टिवल में जो आदमी लोग बाहर चढ़ने जाते हैं ना। ओ, अच्छा भाई, बावकुंगरी फेस्टिवल जिसको बोलते हैं ना, तो उसका रास्ता ये नहीं है, उस साइड से है अलग। और तो देट मीन्स हम लोग उस पहाड़ में जा सकते हैं, रास्ता है मतलब ना उधर उस साइड से। अभी दिखाई गई फेस्टिवल होता है ना, जो फेस्टिवल उस साइड में होता है। तो अभी मैं और मेरा दोस्त रिटर्न जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का शहर के सामने ही इतना अच्छा अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज और टूरिस्ट स्पॉट है। तो कार साइड यहाँ पे ही पार्किंग करता है ना, उसको तो लेके नहीं जा सकते हो बाहर है ना। हाँ, लेकिन इधर अच्छा रास्ता है, ये कहाँ जाता है नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा बहुत। पूरा एक नेचर, एक प्रकार का नेचुरल एंटी डिप्रेसिव टाइप का है ना, अच्छा लगता है, इसलिए रिलैक्स करने आता है यहाँ पर कोई। इधर से भी वाटरफॉल का साउंड जैसा आ रहा है ना, ये भी वाटरफॉल का ही पानी होगा। अच्छा, ये पानी इधर से, ये पानी ऊपर से आते, हाँ पानी यही है, हाँ हाँ यही, हाँ यही पानी होगा। नीचे आते आते थोड़ा जैसे कलर बदल गया, लेकिन बहुत साफ है ऊपर। तो हम लोग अभी सफेदशिला वाइल्ड लाइफ से वापस घर जा रहा है, और हम लोग बावकुंगरी पहाड़ को भी देख के जाने का सोचा है। मेरा दोस्त बोल रहा है कि आया है तो चलो देख के जाता है। एवरी ईयर मतलब नॉट ओनली फ्रॉम कोक्राझार, बोरो कम्युनिटी, बोरो पीपल्स यूज टू कम हियर एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैसागु। अच्छे से लेके बूढ़ा तक हर कोई आता है, और एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। तो अभी हम लोग बावकुंगरी जो कि बहुत पॉपुलर है वहाँ पे जा रहे हैं, बावकुंगरी पहाड़ में। अच्छा, ये इसका रास्ता इधर है। ये जगह ही हरिनगरी है ना, ये सब जगह। तो हरिनगरी का ही पास में ही है बहुत ना, ये जो सक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जगह थोड़ा ग्वालपरा ग्वालपरा जैसा लगता है, क्योंकि ग्वालपरा में भी ऐसा ही हर जगह में पहाड़ है ना।
पानी नहीं है उस टाइम देखा दादा उधर भी पानी है क्या वाटरफॉल है क्या ऊपर से पानी गिरता है दो बीसी गजान दो थांजाई नामा गिना ना गाड़ी बोलांग जाय मानसी दं बेव दाबो ससे नायनो थ गैयाबा फैगोन दे बावखुंग्रिनि हाजोआ आरो चक्रशिलानि हाजोआनो एखेयानो ना एखे हाजोआनो ना आंबो थांनो लुबैलै बावखुंग्री पहाड़ देख सकता है इधर ये पानी जो है ऊपर से आ रहा है और आते आते इधर से ये इधर से पीछे जा रहे खेबा खेबा मोजां आवाज जायो ना बहुत अच्छा जगह है ना बहुत सुंदर जगह है देखता हूँ पानी किधर से आता है पानी ऊपर से आ रहा है और आगे नहीं जा सकता इतना तो हम पानी का रूट ट्रेस कर रहे हैं किधर से आ रहा है बहुत अच्छा पत्थर भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा है ना यहाँ पे देखो
इसका इसका जो मेन ओरिजिन है पानी का ये है, यही है ना। तो यही जगह है जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से, मेन जो वाटरफॉल का ट्रिब्यूटरी से, और इधर से आते आते इधर से आ रहा है। फटो खेमबा हम लोग वापिस जा रहा है कोकराझार। सांगरांग ने अपना नया गाड़ी में बहुत जगह घुमा लिया है। ए दोहोय जों थांनायाव गालांनाय दासो फैगासिन दं एफा स्लो बेसार स्लो तो नांसिगोनलै गावनो नांहां नांहां खालामनानै थांनो, खिन्थु दा फोनां ना, गावनो खारखागोन ना। औ नांहां नांहां खालामबानो साइड होखायो।